के ऊपर नीचे हर जगह लोग ही लोग हैं, लोग ही लोग हैं। भारत माता की, भारत माता की जयकारे से आप लोग शुरुआत कर दिया इस ट्रेन की, क्या बात है। इतना हड़बड़ी कुछ ही था, भूख लगा, भूख अरे हद किए हुए हैं आप तो। मेरे प्यारे दर्शकों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं इस वीडियो को शुरू करने के पहले आप सभी से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। माफी इस बात के लिए कि इस वीडियो को हमें आप तक 27 या 28 तारीख को पहुंचाना चाहिए था, लेकिन हम आपको एक दिन या दो दिन डिले यानी कि 29 तारीख को पहुंचा रहे हैं। ये वीडियो है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के इनॉग्रल रन की। रांची पटना, पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के हम सबको बुलाया गया। हम लोग बड़े ही खुशी खुशी गए और जितनी खुशी हमें जाने में हुई उससे कहीं ज़्यादा खुशी हमें वहाँ की व्यवस्था देखकर की। जो व्यवस्था इंडियन रेलवे के द्वारा किया गया था वो काबिले तारीफ था। मुझे लगा कि छोटे से वीडियो में हम अगर इस चीज़ को दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं हर उस व्यक्ति के लिए नाइंसाफी होगा जो इससे जुड़ा हुआ है। वैसे तो देश का हर व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ है, इससे ट्रेन से पता नहीं, सब भावनात्मक रूप से जुड़ गए हैं। इस वीडियो में हम आपको हर उस पल को दिखाने की कोशिश करेंगे जो मेरे कैमरे ने कैद किया है। वैसे तो मैंने वीडियो बना लिया है, इसका स्पेशल खाने का बना लिया है और स्पेशल इनॉग्रेशन के पहले ट्रेन में सवार उन बच्चों से बातचीत की, उनकी पेंटिंग्स को दिखाया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने पेस्ट कर दिया है। तीन पार्ट में यही वीडियो आपके सामने आएगा। जोहार। जी हाँ दोस्तों, आज वो पल आ गया है जिस पल का सभी को इंतजार था। ये वीडियो जब तक देख रहे होंगे तब तक हो सकता है इनॉग्रेशन हो गया होगा। रांची के लोगों के लिए एक गौरव की बात है। अच्छा लग रहा है, लोगों का फायदा होगा कि वक्त बचेगा। भारत में बहुत कम जगह वंदे भारत पर का जो है ना इनॉग्रेशन हुआ है और रांची को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। झारखंड के लिए इसको गर्व महसूस करना चाहिए। वंदे भारत एक सबसे ही द्रुतगामी ट्रेन है और रांची और पटना के लोगों के लिए भी ये सौभाग्य की बात होगी कि कम से कम समय में ये अपनी यात्रा रांची से पटना के बीच में पूरी कर सकेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है कि झारखंड को पहली वंदे भारत मिलने जा रही है। इससे फायदा ये है कि जो रांची से पटना का जो दूरी है कम समय में हम तय कर सकते हैं। अगर हो सकता है अगर सही टाइम पे ये करे तो रांची टू पटना जर्नी आसान होगा हम लोग के लिए। बिहार और झारखंड दोनों के लिए बहुत अच्छा है कि पहली बार वंदे भारत चलने जा रही है और मोदी जी का लोग धन्यवाद करेंगे ताकि और भी कई जगहों के लिए वंदे भारत चलाई जाए रांची से। क्या लगता है लोगों को, क्या फायदा मिलेगा? फायदा सर देखिए एक ही है इससे कि टाइम की बचत होगी। बाकी चार्ज की बात करें तो चार्ज तो थोड़ा प्रीमियम ट्रेन है तो ज़्यादा है, लेकिन टाइम की बचत होगी। बस जो ट्रेन आम तौर पर 8-9 घंटा लेती है इससे 6 घंटे में आप पहुँच जाएंगे। आप मेरे वंदे भारत ट्रेन देख रहे हैं, देख सकते हैं और यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं इस जनरेशन में इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनने के लिए वो आए हुए हैं। आप आगे की तस्वीर दिखाते हैं। सुपर फास्ट लंबी दूरी की ट्रेन साथियों वंदे भारत, रांची से हावड़ा है वंदे भारत एक्सप्रेस भी दुर्गा पूजा के पहले उसका भी उपहार हम सबको मिलने वाला। एक मेरा आग्रह है रांची से बनारस एक वंदे भारत हमारा चले क्योंकि बहुत डिमांड है, बहुत मांग है। आज रांची के लिए एक बहुत बड़ा सौगात आया है, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं।
माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय केंद्रीय रेल मंत्री जी को और साथ ही जिन्होंने भी इसके लिए पहल की है उन सभी को। और झारखंड के लिए आज तोहफा देने का काम किया, इसलिए मैं अपनी ओर से, झारखंड की जनता की ओर से मैं उन्हें साधुवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। झारखंड प्रदेश के भी बहुत सारे ऐसे स्टेशन जिसे अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। वंदे भारत ट्रेन इज नॉट जस्ट अ ट्रेन बट इट इज प्रेजेंटिंग द गोल्डन इमेज ऑफ या ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आई सी दैट या बुलेट ट्रेन विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन द नेक्स्ट 10 इयर्स फ्रॉम रांची टू दिल्ली, दैट वी कैन गो इन द मॉर्निंग एंड कम बैक इन द इवनिंग। That type of fast development is coming up in our country under the able leadership of our great leader, now the world leader, Narendra Modi ji. I thank everyone for participating in this function. रेलवे यात्रियों को हर सुविधा देने के लिए प्रयासरत है रेलवे। आप सभी के शुभेच्छाओं और सहयोग से आज का कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न होने जा रहा है। मैं आप सभी को इसके लिए पुनः धन्यवाद देता हूँ। आभार। तो चलिए वो पल आ गया है जब ये ट्रेन यहाँ से चलेगी। यहाँ पर स्थानीय रूप से लोगों ने अपनी अपनी बातें रख दी हैं। अब इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन टेलीविजन दिखाएंगे और उसके बाद हम यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे। स्पेशल क्लास 1 यहाँ पर लगा हुआ है और यहाँ पर देख सकते हैं कि हम T3 बहुत ही ऐतिहासिक पल और इस पल का साक्षी बन रहे हैं हम लोग। तो वंदे भारत एक्सप्रेस के पहले सफर में हम चलने के लिए तैयार हैं और यहाँ पे ये सारा कुछ मिल गया है और ये आपका सबसे बड़ी चीज़ है। ये चीज़ जो इस ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं उन्हीं के लिए ये है, उन्हीं को ये मिला है, ये देख सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो चलेंगे यहाँ से पटना तक और दिखाएंगे खूबसूरत तस्वीरों को, बने रहिएगा हमारे रांची से। रबड़ का खाना जा रहा है। हाँ, रांची से बढ़ चलिए, ट्रेन खुल गई है। हाँ तो ट्रेन खुल गई है। चलिए तो ये ट्रेन खुल गई है। चलिए आपको स्पीड दिखाते हैं इसका। ये देखिए, ये स्पीड है अभी इस ट्रेन की। हाँ सही बोले, यहाँ पे ज्यादा अच्छा दिखेगा। वेलकम ट्रेन नंबर 02439 रांची पटना एक्सप्रेस। और ये आपका स्पीड है इस ट्रेन की, जो 19 किलोमीटर दूरी पे मिसरा है जहाँ पे स्टॉप अगला स्टॉपेज है। और ये ट्रेन खुल चुकी है रांची से। बरसात भी गवाह बना है इस ट्रेन का। और यहाँ पे सिर्फ स्टेशन पे ही नहीं, ट्रेन के बाहर भी लोग अपने कैमरे में इस ट्रेन को कैद करते हुए ये देखिए, और लोग जो इसी ऐतिहासिक पल का गवाह बने हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे कुछ अलग ही दृश्य है। बाहर लोग खड़े हैं। तो आने दो।